आज के उत्तराखंड खबरसार में आपका स्वागत है। आज हम जिन तीन बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, उनमें से एक है शनिवार को फिर से बादल फटने से पिथौरागढ़ में हुए नुकसान, दूसरी है हिमालय दिवस पर हुई रस्मी कार्यक्रमों की, और तीसरी है बारिश न होने के कारण फसलों की बर्बादी की। लेकिन उससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय से जुड़ी अन्य जानकारियां भी हासिल कर सकें। चलिए तो अब बात करते हैं पहली खबरसार की। खबर शनिवार 10 सितंबर को सुबह से ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में प्रसारित हुई कि एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर बरसा है। खबर है कि नेपाल सीमा पर बादल फटने और धारचूला में भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया कि नदी किनारे बने मकान बह गए। इसमें एक की मौत हो गई और 30 से अधिक घरों को नुकसान हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 9 सितंबर से 10 सितंबर सुबह 8 बजे तक ऊखीमठ में 140 मिलीमीटर, धारचूला में 132 मिलीमीटर, चलती में 127 मिलीमीटर, देहरादून एयरपोर्ट में 107 मिलीमीटर और कालाडूंगी में 79 मिलीमीटर बारिश हुई। अब हमारा सवाल यह है कि क्या मौसम विभाग ने इतनी अधिक बारिश होने की कोई चेतावनी जारी की थी? मौसम विभाग देहरादून ने 9 सितंबर 2022 को दो बार ट्वीट किया और दोपहर 1 बजे का ट्वीट में येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन यह येलो अलर्ट 13 सितंबर तक के लिए है। नियमानुसार अब भारी से भी ज़्यादा बारिश होने की आशंका होती है, जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, परंतु मौसम विभाग ने इससे संबंधित कोई ट्वीट नहीं किया। अब जब पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने लगी तो मौसम विभाग ने 10 सितंबर को सुबह येलो अलर्ट को बदलकर ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया। हम भी पहले भी अपने वीडियो में कह चुके हैं कि उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। पूर्व अनुमान के साथ साथ लोगों तक चेतावनी पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं इस दिशा में कब काम होगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। खबर है कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस था। हिमालय दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर हमारा एक पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हिमालय दिवस के मौके पर उत्तराखंड में लगभग 100 कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन इन कार्यक्रमों से क्या होगा? क्या हम वाकई हिमालय को बचाने के लिए गंभीर हैं? इन सब बातों का जवाब हिमालय दिवस कार्यक्रमों के आयोजकों से लिया जाना चाहिए। आप भी जागरूक नागरिक के नाते हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तीसरी खबर उत्तराखंड में फसल बर्बादी से जुड़ी है। चालू मानसून सीजन में आप कई बार भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में नुकसान की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों में बात करें तो 13 में से 7 ज़िले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है। पौड़ी ज़िले में तो 55% कम बारिश हुई है। इसी तरह चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़,
रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में बारिश कम हुई है। इसका असर यह हुआ है कि धान यानी चावल, गेहूं और उड़द की फसल खेतों में खराब होने लगी है और काश्तकारों की चिंता है कि उनके पास बीज के लिए भी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में खेती पर पहले ही कई मुसीबतें हैं, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। तो यह था कि हमारा इस रविवार का खबरसार। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट्स कर वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार एक और खबरसार के साथ।